हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमें कुछ तल्ख फैसले करने होंगे। चेयरमैन नेपरा। चेयरमैन नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा वसीम मुख्तार ने कहा है कि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि हमें कुछ तल्ख फैसले करने होंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन नेपरा वसीम मुख्तार ने कहा कि बिजली की कीमतों को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए बिजली चोरी को रोकना होगा। जो बिजली चोरी कर रहा है उसको कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। उन्होंने कहा कि हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं कि हमें कुछ तल्ख फैसले करने होंगे। तवानाई के शोबे में फ्री मार्केट ला रहे हैं। सारिफ का जिस कंपनी से बिजली खरीदने का इरादा हो वो खरीदे। चेयरमैन नेपरा ने बताया कि इस वक्त बिजली की पैदावारी सलाहियत 48,000 मेगावाट है। NTDC किसी भी प्लांट की पैदावारी कीमत देखकर बिजली हासिल करता है। ओवर बिलिंग पर उन्होंने कहा कि ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए कमेटी बना दी गई है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई और प्राइवेट सेक्टर को लाना जरूरी है। वसीम मुख्तार ने मजीद कहा कि बिजली के रेट का फैसला अवामी समात के बाद किया जाता है। नेपरा ने कभी भी कोई फैसला बंद कमरे में नहीं किया। बिजली की कीमतों में इजाफे की पिटीशन पर अवामी समात होती है, जिसके बाद कीमतों में इजाफे का फैसला किया जाता है।